हेलो स्टूडेंट्स आई एम प्रियंका पुद्दार तो आज हम करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक दैट इज कैटालिसिस तो कैटालिसिस को हम तीन हिस्सों में करेंगे पहला है कैटलिस्ट सेकेंड इज जियोलाइट एंड थर्ड इज एंजाइम तो तीनों टॉपिक्स को हम धीरे धीरे कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे अबाउट ऑल इट्स टाइप्स एंड मैकेनिज्म तो इस कंप्लीट वीडियो में आज हम इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने वाले सो लेट्स स्टार्ट तो कैटलिस्ट को समझने के लिए मैं लेती हूँ दो डायग्राम्स ठीक है तो पहला डायग्राम है ये और दूसरा है ये ठीक है तो सबसे पहले मैंने एक रिएक्टेंट लिया ए जो कि ब्लू कलर में है दूसरा रिएक्टेंट लिया बी जो कि रेड कलर में है इन दोनों रिएक्टेंट्स को मैंने रिएक्ट करा दिया और उससे मुझे मिला ए बी प्रोडक्ट ठीक है अब ये एक नॉर्मल रिएक्शन था ठीक है जहाँ पे मैंने कैटलिस्ट यूज नहीं किया ठीक है जिस वजह से यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन कंप्लीट होने में मुझे लग गए थ्री आवर्स तीन घंटे मुझे इस नॉर्मल रिएक्शन में लग गए अब मैं देखती हूँ कि अगर मैं उसी रिएक्शन को विद कैटलिस्ट करती तो क्या होता ठीक है अब वो रिएक्टेंट ए जो ब्लू कलर में है और बी रिएक्टेंट जो कि रेड कलर में है उन दोनों को मैंने कैटलिस्ट की सरफेस पे लाया तो ए और बी रिएक्टेंट कैटलिस्ट की सरफेस पे आ गए ठीक है? और कैटलिस्ट ने ए और बी रिएक्टेंट को अपनी सरफेस पे एबजॉर्ब करा लिया ठीक है बाद में क्या किया आपस में ए और बी खुद रिएक्ट करने लगे ठीक है कैटलिस्ट की सरफेस उनको एक मीडियम प्रोवाइड करती है जहाँ पे ए और बी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर गए ठीक है जब वो रिएक्ट कर गए तो उन्होंने कैटलिस्ट के सरफेस को छोड़ दिया ठीक है और छोड़ने के बाद वो ए और बी मुझे प्रोडक्ट मिल गया ठीक है तो ये प्रोसेस कौन सा था जहाँ मैंने कैटलिस्ट को यूज़ किया था ठीक है इस प्रोसेस में मुझे टाइम लगा वन आवर ठीक है तो अब क्या हुआ बिना कैटलिस्ट के तीन घंटे लग गए ठीक है कैटलिस्ट के साथ एक घंटे लग गया तो ये फर्क होता है कि हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं कैटलिस्ट मेरे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है और उस वजह से मुझे तीन घंटे के बजाय सिर्फ एक घंटा लग रहा है मतलब मेरा कम टाइम में रिएक्शन हो जा रहा है तो यहाँ ऊपर भी क्या हुआ रिएक्शन वही है ए और बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं ए बी यहाँ भी सेम देखिए ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट फिर मिल रहा है मुझे ए बी ठीक है पर यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ पहली चीज़ कि मैंने कैटलिस्ट यूज़ किया उससे मेरा टाइम कम हो गया ठीक है दूसरी चीज़ कैटलिस्ट मैंने जो रिएक्शन के टाइम में यूज़ किया था वो स्टार्टिंग में जितना था उतना ही लास्ट में भी है इसका मतलब कैटलिस्ट का कोई भी चेंज नहीं आया स्टार्टिंग में भी वही लास्ट में भी वही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैटलिस्ट खुद कंज्यूम नहीं हुआ वो स्टार्टिंग में भी वैसा ही था और एंड में भी मुझे कैटलिस्ट वैसा ही मिला ठीक है तो कैटलिस्ट ने बस कंज्यूम नहीं हुआ बट उसने क्या किया रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट दिया ठीक है और उसने मेरा टाइम भी कम करवाया तो अब मैंने देख लिया कि कैटलिस्ट मेरा क्या है ठीक है अब मैं कैटलिस्ट के डेफिनेशन से उसे समझती हूँ अ कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच इन्फ्लुएंसेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट आउट इट्स सेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन तो ऊपर क्या था ये एक स्लो रिएक्शन था ठीक है ये तीन घंटे ले रहा था विदाउट एनी कैटलिस्ट और नीचे क्या हुआ कैटलिस्ट यूज़ करने पे ये फास्ट हो गया अब क्या हुआ यही रिएक्शन एक घंटे में कंप्लीट हो गया तो क्या है कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच इन्फ्लुएंसेज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन मतलब स्लो से यहाँ रिएक्शन मेरा फास्ट हो गया ठीक है विद आउट इट्स सेल्फ अंडर गोइंग एनी चेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन और क्या होता है कैटलिस्ट में कोई चेंज नहीं आता पहले जैसा था वैसा ही एंड ऑफ द रिएक्शन पे है सो so ये है कैटलिस्ट अब ये कैटलिस्ट हमारा कंप्लीट हो गया तो कैटलिस्ट को अब हम समझ चुके हैं अब हम करते हैं उसकी दो टाइप एक है पॉजिटिव दूसरी है नेगेटिव तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है ये स्पीड ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करता है ठीक है जो काम तीन घंटे में होना था जो रिएक्शन तीन घंटे में होना था वो होने लगता है एक घंटे में इसका मतलब क्या है स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस ठीक है रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई जिस वजह से तीन घंटे का काम एक घंटे में हो गया तो पॉजिटिव कैटलिस्ट करता है इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन ठीक है अब मैं चलती हूँ नेगेटिव कैटलिस्ट पे तो अब हम देखते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा मान लो मैंने नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया रिएक्शन में तो वो क्या करेगा जो काम तीन घंटे में होना था उसको करने में मुझे पूरा एक दिन लग रहा है ठीक है तो क्या हो रहा है मेरी स्पीड ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रही है ठीक है तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है डिक्रीज करता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन उसकी वजह से क्या होगा अगर रिएक्शन की स्पीड कम होगी तो जो काम मैंने तीन घंटे में करना था उसे करते करते मुझे एक दिन लग जाएंगे तो नेगेटिव कैटलिस्ट करता है डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन तो ये है कैटलिस्ट के दो टाइप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे तो अब अब करते हैं कैटलिस्ट के एग्जाम्पल्स जो है पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक है पॉजिटिव कैटलिस्ट है मेरा प्लेटिनम ठीक है और नेगेटिव कैटलिस्ट है मेरा फॉस्फोरस एसिड पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा ठीक है वो रिएक्शन को फास्ट कर देगा यहाँ मैं देख रही हूँ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ट्रायऑक्साइड दे रहा है ठीक है ये दोनों गैशियस रिएक्टेंट है और कैटलिस्ट मेरा है सॉलिड तो सॉलिड उसको अपनी सरफेस प्रोवाइड करेगा जहाँ पे गैसेस रिएक्टेंट आएंगे और रिएक्ट करके मुझे सल्फर ड्राइक्साइड देंगे तो यहाँ पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर रहा है वो रिएक्शन को फास्ट कर रहा है जो रिएक्शन बहुत स्लोली हो रहा था उसको प्लेटिनम ने फास्ट कर दिया तो इसलिए मैं प्लेटिनम को एक पॉजिटिव कैटलिस्ट कह रही हूँ ठीक है क्योंकि वो मेरे रिएक्शन को स्पीड कर रहा है ठीक है अब मैं चलती हूँ नेगेटिव कैटलिस्ट पे तो नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है फास्फोरस एसिड अब फास्फोरस क्या करता है अब फास्फोरस एसिड क्या करेगा जैसे कि ये एग्जाम्पल है ठीक है यहाँ पे मेरे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एकदम से डीकंपोज होके वाटर में चेंज हो जाता है जो कि मैं नहीं चाहती हूं ठीक है मैं चाहती हूँ कि मैं इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रिजर्व कर सकूँ तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे फास्फोरस एसिड डाल के पैरोक्साइड को स्लो करना पड़ेगा ताकि उसमें रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाए और मुश्किल से ही वो जाके डीकम्पोज हो ठीक है तो यहाँ पे मैंने क्या किया रिएक्शन को स्लो किया जब मैंने उसमें फॉस्फोरस एसिड डाला तो ये एक नेगेटिव कैटलिस्ट है जिसने मेरे रिएक्शन को स्लो कर दिया ठीक है एक तरीके से क्या कर रहा है वो रिएक्शन को बहुत ही स्लो कर रहा है स्पीड क्या कर रहा है रिएक्शन की कम कर दे रहा है तो इस तरीके से नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है तो फॉस्फोरस एसिड मेरा नेगेटिव कैटलिस्ट हुआ जो रिएक्शन को स्लो करता है और प्लेटिनम मेरा पॉजिटिव कैटलिस्ट हुआ जो रिएक्शन को फास्ट करेगा ठीक है तो ये दोनों टाइप्स हैं जो कि कैटलिस्ट के टाइप हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोमोटर ठीक है अब हम प्रोमोटर समझने के लिए पहले तीन कैरेक्टर देखते हैं ये है मेरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है एक रिएक्टेंट ठीक है प्लेटिनम जो कि रेड कलर में है ये है मेरा कैटलिस्ट ठीक है उसके बाद ब्लू कलर में है प्रोमोटर प्रोमोटर ब्लू कलर का प्रोमोटर है ठीक है ये हम अब समझेंगे कि होता क्या ठीक है उसके लिए पहले मैंने एक सपोर्ट बनाया ठीक है ये सपोर्ट है और इसके ऊपर पड़े हैं मेरे प्रमोटर ठीक है प्रमोटर के ऊपर लगे हैं हमारे कैटलिस्ट प्लेटिनम कैटलिस्ट अब कैसे काम करेंगे ठीक है प्रमोटर क्या करता है प्रमोटर क्या है इसको एक अच्छा एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है इसके जो पीक्स हैं ठीक है ठीके? और जो इसके डेप्थ्स हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं एक स्पेस जहाँ पे प्लेटिनम कैटलिस्ट आराम से बैठ सके मान लो कि अगर प्लैटिनम कैटलिस्ट पाइलप होके होते एक के ऊपर एक तो उसको प्रॉपर एक्टिव साइट नहीं मिलता जिस वजह से प्लैटिनम कैटलिस्ट का काम अच्छे से नहीं हो पाता तो प्रोमोटर ने क्या किया प्रोमोटर ने अपने जगह पे इसको डेप्थ और इसको हाइट्स प्रोवाइड करी इसको बीच में अच्छी स्पेसिंग प्रोवाइड करी जिस वजह से ये फैल गया ठीक है फैलने के वजह से इसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल गया जिस वजह से इसका एक्टिव साइड भी बढ़ा और इस वजह से इसकी वर्किंग अच्छी हो पाएगी अब क्या होगा कि जो हाइड्रोजन रिएक्टेंट है वो ईजिली आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और इजिली आके इन दोनों के कारण ये अच्छे से रिएक्ट कर जाएगा तो प्रोमोटर क्या करता है वो कैटलिस्ट को काम करने में मदद करता है ठीक है इट प्रोवाइड्स हेल्प टू कैटलिस्ट सो दैट इट कैन ईजिली रिएक्ट रिएक्टेंट्स ठीक है तो क्या कर रहा है प्रोमोटर इज अ कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट तो वो कैटलिस्ट को भी हेल्प कर रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्रोमोटर इज अ कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट ठीक है तो बेसिकली ये कैटलिस्ट को अपना काम करने में मदद करवाता है अब क्या होता है जब कैटलिस्ट की ये मदद करवाता है तो इसकी एनर्जी जो है वो जो प्रोवाइड करता है जिस वजह से खुद भी डिफॉर्म हो जाता है ठीक है तो इसका मतलब ये खुद को कंज्यूम करवा देता है इन ऑर्डर टू हेल्प द कैटलिस्ट तो अब क्या होगा हाइड्रोजन जो यहाँ पे है ठीक है उन्होंने रिएक्ट कर लिया ठीक है वो प्रॉपरली रिएक्ट होके इसके सरफेस पे आ गए अब क्या है रिएक्ट होने के बाद वो यहां से एस्केप कर जाएंगे ठीक है तो हाइड्रोजन यहां से डी एड्सॉर्ब हो जाएगा ठीक है तो क्या करेगा वो इसकी सरफेस को छोड़ के चला जाएगा क्योंकि यहां पे अब हमें क्या है यहां से प्रोडक्ट मिल गया ठीक है तो प्रोमोटर ने हेल्प करी कैटलिस्ट को to make the reactants react so as to form the products. तो अब मैं समझती हूँ promoter की definition. ठीक है A substance which though itself is not a catalyst promotes the activity of catalyst is called a promoter or an activator. तो promoter क्या होता है Promoter एक catalyst खुद नहीं होता है ठीक है पर वो help करता है catalyst को कि वो अपना काम कर सके ठीक है तो यहाँ क्या है इट इज नॉट अ कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट नहीं है ठीक है प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट पर कैटलिस्ट को उसका काम करने में हेल्प करता है ठीक है तो उसको हम बोलते हैं प्रमोटर ठीक है प्रमोटर भी बोल सकते हैं प्रमोटर की जगह हम उसे एक्टिवेटर भी बोल सकते हैं तो क्या है बेसिकली इट इज अटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट मतलब वो क्या है एक हेल्पर ऑफ कैटलिस्ट ठीक है थीके? तो प्रोमोटर इज हेल्पर ऑफ कैटलिस्ट या फिर बोल सकते हैं कैटलिस्ट फॉर अ कैटलिस्ट तो अब हम प्रोमोटर का एक एग्जाम्पल करते हैं ठीक है थीके? तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन हमें अमोनिया देता है ठीक है अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आयरन जो है वो है कैटलिस्ट ठीक है और मोलीबेडनम जो है वो है प्रमोटर ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि आयरन को प्रमोटर उसका हेल्प करेगा मतलब मोलीबेडनम आयरन को हेल्प करेगा ताकि रिएक्टेंट रिएक्ट करके मुझे अमोनिया दे सके तो बेसिकली प्रोमोटर आयरन को हेल्प करने वाला एक हेल्पर है इट इज़ अ कैटलिस्ट फॉर आयरन राइट right? तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं तो यहां मैं कैटलिस्ट और प्रमोटर देख सकते हो तो अब हम करने जा रहे हैं कैटेलिटिक पॉइजन अब हमें पता है कि पॉइजन क्या होता है ठीक है पॉइजन वैसे एक हार्मफुल चीज होती है ठीक है लेकिन कैटेलिटिक पॉइजन मतलब है कि कैटेलिस्ट जो काम करता है ना उसको स्टॉप करने वाला पॉइजन होता है तो वो कैटलिस्ट के काम को रोक देता है ठीक है इसलिए हम उसको कैटलिटिक पॉइजन मतलब कैटलिस्ट के लिए वो एक पॉइजन है ठीक है मान लो ये सपोर्ट है ठीक है यहाँ है मेरा कैटलिस्ट अब ये कैटलिस्ट क्या है एक्टिव क्योंकि इसके साइट सारे एक्टिव है ठीक है अब मैंने क्या किया मैंने रेड कलर का पॉइजन उसमें डाल दिया ठीक है मैंने रेड से दिखाया क्योंकि पॉइजन रेड मतलब बेसिकली इट इज अ डेंजर फॉर कैटलिस्ट ठीक है इसलिए मैं रेड कलर से शो कर रही हूँ यहाँ ठीक है तो वो क्या करेगा यहाँ पे ये है मेरा कैटलिस्ट कैटलिस्ट में डाल दिया मैंने पॉइजन रेड कलर का ठीक है अब क्या कर रहा है पॉइजन कैटलिस्ट को इनएक्टिव बना रहा है तो पॉइजन ने क्या किया कैटलिस्ट के एक्टिव साइड्स को ब्लॉक कर दिया इनएक्टिव कर दिया कैटलिस्ट को ठीक है तो एक तरीके से वो कैटलिस्ट का काम को रोक रहा है ठीक है तो पॉइजन इज बेसिकली इनएक्टिवेटिंग कैटलिस्ट ठीक है तो अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड तो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड कहाँ यूज कर रहे हैं मैं देखती हूँ ये सल्फर डाइऑक्साइड है ठीक है इसमें मैंने ऐड करा ऑक्सीजन ठीक है तो उससे मिले मुझे सल्फर ट्राई ठीक है तो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ प्लेटिनम कैटलिस्ट ठीक है अब कैटलिस्ट जो है वो अपना काम कर रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड से मुझे सल्फर ट्राई दे रहा है ठीक है अब क्या होता है कि मान लो कि मुझे ये रिएक्शन स्टॉप करना है ठीक है तो प्लैटिनम को उसमें से रिमूव करना इट इज़ अ डिफिकल्ट प्रोसेस ठीक है वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस बन जाता है ठीक है तो हम क्या करते हैं आर्सेनिक ट्राइक्साइड उसमें डाल देते हैं वो उसके लिए पॉइजन का काम करेगा और तब क्या होगा कैटलिस्ट अपना काम रोक देगा तो यहां आर्सेनिक ट्राइक्साइड ठीक है ये पॉइजन किसके लिए बना प्लेटिनम के लिए अब प्लेटिनम अपना काम नहीं कर पाएगा ठीक है तो दिस इज आर्सेनिक ट्राइक्साइड वो स्टॉप कर देगा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने में ठीक है और क्या होता है ये जो पॉइजन होता है वो एक तरह का इम्प्योरिटी का होता है जो हम रिएक्टेंट में डालते हैं जिस वजह से कैटलिस्ट अपना काम करना छोड़ देता है ठीक है अब मैं डेफिनेशन पे चलती हूँ तो अब मैं चलती हूँ कैटलिटिक पॉइजन की डेफिनेशन पे अ कैटेलेटिक पॉइजन इज अ सब्सटांस विच डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट कॉल्ड कैटेलेटिक पॉइजन तो क्या कर रहा है पॉइजन एक ऐसी चीज़ है जो कि कैटलिस्ट के काम को रोक देती है ठीक है उसको हम बोलते हैं कैटलिटिक पॉइजन मतलब कैटेलिस्ट के लिए पॉइजन जैसा काम करने वाला ठीक है सो आर्सेनिक ट्राइक्साइड इज अग्जाम्पल ऑफ कैटलिटिक पॉइजन ओके okay? तो अब हम करने जा रहे हैं एंजाइम्स ठीक है मैंने कैटलिस्ट पढ़ा ठीक है अब कैटलिस्ट के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो कैटलिस्ट जैसा काम करती है ठीक है वो कैटलिस्ट कौन से होते हैं बायोकेमिकल कैटलिस्ट अब समझते हैं कि बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं बायोकेमिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं ठीक है ठीके? ये कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं ठीक है नेचुरली ठीक है दीज कैटलिस्ट आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एनिमल्स ठीक है इन सब चीजों में ये पाए जाते हैं ठीक है ये क्या करते हैं ये कैटलिस्ट जैसा ही काम करते हैं ठीक है तो पर ये पाए कहाँ जाते, है? जाते हैं ये नेचुरली पाए कहा जाते हैं इसलिए हम इसको बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं ठीक है अब वो देखने में और क्या करेंगे कैसे करेंगे ये देखते हैं मान लो ये मेरा एंजाइम है ये मेरा एंजाइम है ठीक है ये जो पार्ट है ये है एक्टिव साइड ठीक है अब क्या होता है यहां पे जिस चीज ने आके अटैच होना है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट अब क्या होगा सबस्ट्रेट आएगा एक्टिव साइट पे और फिर वो क्या करेगा एंजाइम से अटैच करेगा ठीक है पर ये होता भी कैसे है ये बिल्कुल प्रॉपर फिट अटैचमेंट होती है आप देख रहे हैं जिस टाइप की इसकी शेप है उसी टाइप का ये सबस्ट्रेट है ठीक है तो बेसिकली ये किस पे है डिपेंडेंट है दिस इज लाइक लॉक एंड की मॉडल जैसे कि एक चाबी एक ही ताले के लिए बनी है सेम उसी तरीके से एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट के लिए बना है, ठीक है तो सबसे पहले क्या होगा सबस्ट्रेट इसके पास आएगा एंजाइम के पास और वो इसके एक्टिव साइट पे अटैच होना चाहेगा ठीक है आगे क्या होगा आगे जाके ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा और ये है मेरा सबस्ट्रेट अब क्या होगा ये बना लेगा एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट तो एंजाइम ने क्या किया सबस्ट्रेट आके इसके एक्टिव साइट पे अटैच हो गया और अब ये एक बीच में है ना एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट बना दिया ठीक है ये बीच का प्रोसेस है ठीक है अब क्या होगा यहाँ अंदर ही इंटरनली केमिकल रिएक्शन होंगे जिस वजह से क्या होगा सबस्ट्रेट मेरा प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से क्या हुआ आफ्टर कंप्लीटिंग दैट प्रोसेस अब मेरा सबस्ट्रेट यहाँ से दो हिस्सों में चेंज हो गया प्र से मेरे प्रोडक्ट्स बाहर आ जाएंगे जैसे कि कैटलिस्ट क्या किया करता था रिएक्टेंट को अपनी जगह पे एडजॉर्ब होने देता था और उसके बाद रिएक्टेंट्स का आपस में रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट देता था इसी तरीके से नेचुरली जो कैटलिस्ट फाउंड होते हैं जो कि बायोकेमिकल कैमिकल कैटलिस्ट हैं वो हमारे को क्या करते हैं साइट देते हैं एक्टिव साइट वहाँ पे आके सबस्ट्रेट आते हैं वो फिर एक इंटरमीडिएट बनाते हैं इंटरनल केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो फाइनली हमें प्रोडक्ट दे के जाते हैं ठीक है ठीके? तो इसकी वर्किंग भी उसी जैसी है बट ये क्या है ये नेचुरली फाउंड है और कोई ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है राइट अब मैं एग्जाम्पल लेती हूं ठीक है मेरे स्टमक है ना स्टमक में होता है एक कैटलिस्ट दैट इज पेप्सिन ठीक है पेप्सिन क्या करता है पेप्सिन हमारा प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है ठीक है इसी तरीके से एक और कैटलिस्ट होता है उसका नाम होता है ट्रैपसिन ठीक है अब ट्राइपसिन क्या करता है ट्राइपसन प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में चेंज कर देगा लेकिन ये जो ट्राइपसिन होता है इसकी डिफरेंट लोकेशन होती है ये या तो होता है पैनक्रियास में या फिर होता है इंटेस्टाइन तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो ट्रैप्सिन है वो प्रेजेंट है पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन में वहां पे ये क्या कर रहा है प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है एमिनो एसिड में ठीक है लेकिन वहीं पे आप दूसरा देख लो कि स्टमक में प्रेजेंट पेप्सिन जो है वो उसी प्रोटीन को पेप्टाइड बना रहा है ठीक है तो डिफरेंट पर्पस है हर हर एंजाइम एक डिफरेंट पर्पस के लिए बना हुआ है, ठीक है अब क्या करता है पैनक्रियाज में ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा एमिनो एसिड में और ये एमिनो एसिड क्या करता है ये ब्लड में जाता है और वहाँ जाके ये हमारे टिश्यू को बिल्ड करता है ठीक है तो इस तरीके से मैं देख सकती हूँ कि एंजाइम जो है अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हैं एक ही काम करते हैं राइट तो अब मैंने थोड़ा सा एंजाइम तो पहले डिस्कस किया अब मैं इसको समझती हूँ बाय डेफिनेशन ठीक है तो एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ठीक है तो एंजाइम्स क्या होते हैं एंजाइम्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जो कि नेचुरली मिलते हैं ठीक है ठीके? जैसे लिविंग सेल्स होते हैं प्लांट या एनिमल उनके अंदर पाए जाने वाले कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हुआ ठीक है अब साथ में वर्ड आता है नाइट्रोजिनस नाइट्रोजिनस का क्या मतलब है कि वो कंपाउंड्स जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है ठीक है तो वो हो गया नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और साथ में वर्ड है कॉम्प्लेक्स ठीक है मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक तो ये सिंपल चीज़ है ठीक है एक है कॉम्प्लेक्स तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कॉम्प्लेक्स है और नाइट्रोजन है ठीक है जैसे एग्जाम्पल कौन सा था पेप्सिन ठीक है ट्रैपसिन ठीक है तो ये क्या है ये नेचुरली फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि हमारे कैटलिस्ट का काम करते हैं ठीक है थेके? तो इस तरीके से मैं एंजाइम को समझ सकती हूँ तो अब हम करते हैं एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज ठीक है पहली प्रॉपर्टी क्या है पहली प्रॉपर्टी है कि इसकी जो क्वांटिटी चाहिए होती है वो हमें बहुत कम चाहिए होती है स्मॉल क्वांटिटी हाई मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज कर सकती है अब कैसे ठीक है मैं एक एग्जांपल लेती हूं कार्बोनिक एनहाइड्रेस अब ये क्या करता है ठीक है ये कार्बोनिक एसिड को डीकंपोज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ठीक है तो जैसे कि मैं बात कर रही हूं स्मॉल क्वांटिटी हाई मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज करता है ठीक है तो कार्बोनिक एन का अगर मैं एक मॉलिक्यूल लू तो ये क्या करेगा ये 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड को डिकम्पोज कर सकता है ठीक है तो आप देख सकते हो कि एक मॉलिक्यूल 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड को डिकम्पोज कर देता है और टाइम कितना लेता है बस एक मिनट ठीक है तो हम देख सकते हैं कि एंजाइम का क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्मॉल क्वांटिटी कितनी चेंज ला सकता है ठीक है तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो अब हम करते हैं अपना सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिमम टेम्परेचर तो एंजाइम जो है वो हमारा एक्टिव होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है ये वो टेम्परेचर है जिस पे वो हाईली एफिशिएंट होता है अच्छे से काम कर रहा होता है तो दिस इज़ द एक्टिव टेम्परेचर ऑफ द एंजाइम ठीक है काम तो वो आगे भी करेगा जैसे 50 पे भी कर रहा है 60 पे भी कर रहा है पर क्या है वो इतने अच्छे से नहीं करता जितना वो इस टेम्परेचर के बीच में करेगा ठीक है तो इसका आगे क्या है 70 डिग्री तक भी ये काम कर रहा है ठीक है पर ये जब 70 डिग्री का टेम्परेचर क्रॉस करेगा तो वहाँ पे मेरा एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है ठीक है तो ये भी इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है तो अब हम करते हैं एंजाइम की थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज़ एफिशिएंसी ठीक है एफिशिएंसी मतलब जो एंजाइम है वो हमारा काम करता है बहुत ही अच्छे तरीके से करता है मान लो कि एक प्रोसेस है डाइजेशन का ठीक है उस डाइजेशन प्रोसेस में क्या है हमारा खाना डाइजेस्ट होता है है ना मान लो एंजाइम ना होते तो क्या होता एंजाइम ना होने से मेरा खाना सालों में जाके मुझे डाइजेस्ट करना पड़ता ठीक है और एंज़ाइम की वजह से क्या होता है कि हमारा खाना डाइजेस्ट करता है विद इन सम आवर्स ठीक है तो एंजाइम की हेल्प के साथ ये इतनी जल्दी हो गया ठीक है और वही अगर मेरे पास विदाउट एग्ज़ाइम ये बहुत साल लगा सकता था तो इससे हम देख सकते हैं कि एंजाइम हमारा इतना एफिशिएंट होता है कि जो सालों में काम होना था वो काम वो कुछ ही घंटों में करके क्लियर कर देता है ठीक है तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी एफिशिएंसी। तो अब हम करने जा रहे हैं इनहिबिटर। अब इनहिबिटर क्या होते हैं जैसे कि एंजाइम का काम होता है कि किसी प्रोसेस को जल्दी से करना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना जैसे हम कैटलिस्ट करते थे तो इनहिबिटर क्या करता है रोकता है ठीक है एंजाइम का जो वर्किंग है उसको वो रोकना चाहता है ठीक है तो इनहिबिटर के दो टाइप्स होते हैं एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मान लो कि ये मेरा एंजाइम है तो ये मेरा एंजाइम है और एंजाइम पे सबस्ट्रेट आता है ठीक है यहाँ पे आके अटैच हो जाता है तभी जाके प्रोडक्ट देता है ठीक है तो क्या करेगा इसका प्रोसेस कैसे रोका जाएगा कॉम्पिटेटिव इन्हीबिटर आके इस पे लग जाता है सबस्ट्रेट की जगह अब सबस्ट्रेट की जगह लगने की वजह से क्या हुआ सबस्ट्रेट तो वहाँ लग नहीं पाया और अगर सबस्ट्रेट नहीं लग पाया तो प्रोडक्ट नहीं मिला तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव इन्हीबिटर ने एंजाइम का काम रोक दिया ठीक है अब मैं बात करने जा रही हूँ दूसरे इन्हीबिटर की दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहेबिटर अब ये क्या करेगा ये देखो यहां क्या है सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ जुड़ गया ठीक है अब क्या होना चाहिए था प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए था ठीक है लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्यों नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यहां बैठ गया अब क्या किया ये अटैच होने के वजह से सबस्ट्रेट लगा हुआ है पर ये एंजाइम को ही काम नहीं करने दे रहा ठीक है एंजाइम इससे सबस्ट्रेट से वर्क नहीं कर पाता और इस वजह से इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ ठीक है तो इसने क्या किया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने एंजाइम को आगे काम करने से ब्लॉक कर दिया ठीक है जिस वजह से ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाया तो इस तरीके से भी क्या किया गया कि इनहिबिटर ने एंजाइम की वर्किंग को रोक दिया तो इन दो तरीकों से भी क्या हुआ एंजाइम के काम रुक गए एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेबिटर तो अब आप करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक एक्टिवेटर अब एक्टिवेटर क्या होता है एक्टिवेटर मतलब नाम ही सजेस्ट करता है कि जो एक्टिव कर दे ठीक है किसी चीज को एक्टिव करने वाला ठीक है उसको जैसे एंजाइम है ठीक है एक्टिवेटर क्या करता है एंजाइम को एक्टिव कर देता है ठीक है तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो को एंजाइम है मतलब एंजाइम का कॉपरेट करने वाला है को एंजाइम ठीक है मान लो कि ये मेरा एंजाइम है ठीक है ये एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या है इसकी एक्टिव साइट जो है वो डिफॉर्म्ड है ठीक है बेसिकली इनएक्टिव साइट है जहाँ की कुछ अटैच अभी नहीं हो सकता मतलब सबस्ट्रेट आके यहाँ अभी अटैच नहीं हो सकता बिकॉज इसकी जो ये साइट है ठीक है वो इनएक्टिव हो रखी है ठीक है तो हम क्या करते हैं एक्टिवेटर क्या करता है एंजाइम को एक्टिव कर देता है मतलब कि एंजाइम को अपना काम करने के लिए तैयार कर देता है तो एक्टिवेटर क्या करेगा एक्टिवेटर एंजाइम की हेल्प करेगा एंजाइम की हेल्प कैसे करेगा एक्टिवेटर एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा ठीक है अटैच होने के बाद उसकी जो इनएक्टिव साइट है उसको एक्टिव कर देगा ठीक है जब वो एक्टिव हो जाएगी इसकी साइट ये एक्टिव हो जाएगी तो एक्टिव होने के बाद ही सबस्ट्रेट उस पर आके अटैच हो जाएगा ठीक है तो यहाँ हम प्रोसेस समझते हैं सबस्ट्रेट डिफॉर्म्ड या इनएक्टिव साइट पे नहीं अटैच हो सकता था तो हमें चाहिए था कुछ ऐसा जिससे कि एंजाइम की साइट एक्टिव हो जाए एक्टिवेटर वो चीज़ है जिसने एंजाइम को एक्टिवेट किया एंजाइम से अटैच होने के बाद वो एक्टिवेट होगा ठीक है तो एंजाइम से एक्टिवेटर अटैच हो गया उसकी इनएक्टिव साइड को उसने एक्टिव बनाया और जब ये एक्टिव बन गई तो अब जो सबस्ट्रेट है वो उससे अटैच हो सकता है तो बेसिकली एक्टिवेटर का काम है एंजाइम को कॉपरेट करना उसको हेल्प करना इसलिए हम इसको को भी कहते हैं एंड एक्टिवेटर इज सच सबस्ट विच एक्टिवेट्स एन एंजाइम ठीक है तो बेसिकली वो उसको एक्टिवेट कर देगा जिसके वजह से सबस्ट्रेट अटैच होके क्लियर हो जाएगा तो अब हम करने जा रहे हैं कैटालिसिस का एक नया टॉपिक जियो ठीक है तो जियोलाइट होता क्या है एक तरीके से एक कैटालिस्ट है ठीक है उसका स्ट्रक्चर में देखूँ तो जैसे इसको समझने के लिए हम आराम से समझते हैं जैसे हमने सिलिकेट्स देखा है ठीक है तो सिलिकेट्स क्या होता है सिलिकॉन एक होता है उसके आसपास चार ऑक्सीजन होते हैं ठीक है थीके? ये एक सिलिकेट का स्ट्रक्चर है क्या है सिलिकॉन के आसपास चार ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन फिर उसके आसपास चार ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन फिर उसके आसपास चार ऑक्सीजन ऐसे ही थ्री में फैला होता है ठीक है तो आपने जैसे ये लाइन देखी वैसे ही ये ऊपर भी एक्सटेंड होगा ठीक है एक्सटेंड होगा और इसमें ये ऐसे ही करते करते एक थ्री स्ट्रक्चर बनेगा ठीक है अब जियोलाइट कैसे बनाएंगे अब जियोलाइट एक कैटलिस्ट है ठीक है वो हमें कैसे मिलेगा यहाँ पे जो ऑल्टरनेट सिलिकॉन है उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे एल्युमिनियम से तो मैं अभी इसको रिप्लेस करती हूँ ये एक ऑल्टरनेट है ये मिटा दिया ठीक है तो ये क्या हो गया एलमिनियम ठीक है ये एक ऑल्टरनेट सिलिकॉन है इसे मिटा दिया यहाँ आ गया एलमीनियम अब क्या हो गया अब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जहां पे मेरे पास सिलिकॉन के बाद ऑल्टरनेट सिलिकॉन ना होके अल्मीनियम है ठीक है इसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट ठीक है ये है मेरा एल्यूमिनो सिलिकेट ठीक है अब हमने जैसे इसका स्ट्रक्चर देखा तो इससे मुझे पता चलता है कि ये मेरा अभी कैटलिस्ट जैसा काम कर सकता है ठीक है तो अब मैं चलती हूँ इसके डेफिनेशन में ठीक है तो डेफिनेशन मुझे यहां से क्या मिलेगी कि जिओलाइट इज एल्यूमिनियम सिलिकेट विच इज अ थ्री डी नेटवर्क वेयर सिलिकॉन इज रिप्लेस्ड बाय एलुमिनियम ठीक है तो डेफिनेशन ही मुझे यहाँ बता रही है कि जियोलाइट एक एल्यूमिनियम सिलिकेट एल्यूमिनियम सिलिकेट जो हमने बनाया अभी एल्यूमिनियम एंड सिलिकेट, ठीक है विच इज अ थ्री डी नेटवर्क ये थ्री डी नेटवर्क है क्योंकि ये एक्सटेंड होता जाएगा थ्री डी में वेयर सिलीकॉन इज रिप्लेस्ड बाय अलमिनियम और सिलिकॉन को मैंने रिप्लेस यहाँ पे क्या किया था एल्युमिनियम से यहाँ भी एल्युमिनियम से तो डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई कि जियोलाइट एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है जो कि थ्री नेटवर्क में है और जहाँ पे सिलिकॉन को रिप्लेस कर रहा है एल्युमिनियम राइट तो डेफिनेशन हमारी क्लियर है अब मैं इसका एक फॉर्मूला देखती हूँ जनरल फॉर्मूला तो ये है एम एक्स बाई एन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पावर एक्स सिलिकॉन ऑक्साइड की पावर वाई एंड टू टाइम्स ऑफ वॉटर ठीक है तो मैंने डेफिनेशन अभी देखी थी अब मैं देखने जा रही हूं एक जनरल फार्मूला तो जनरल फार्मूला में है एम एक्स की पावर एन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक्स सिलिकॉन ऑक्साइड का वाई एंड टू टाइम्स ऑफ वॉटर ठीक है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है एक मेटल आयन को ठीक है ये मेरा है ये दोनों पोर्शन है मेरा एल्यूमिनो सिलिकेट, और ये है मेरा वाटर ऑफ हाइड्रेशन अब यहाँ पे मैं कौन सा मेटल लूंगी तो मेटल मेरे पास होगा कैल्शियम टू पॉजिटिव एन ए पॉजिटिव कैल्शियम पॉजिटिव ठीक है तो इस तरीके से मैंने मेटल लिया ये मेरा एल्यूमिनियम सिलिकेट है और ये मेरा वाटर ऑफ हाइड्रेशन तो इन तीनों को मिला के मेरा ये जियोलाइट कंप्लीट हो गया ठीक है तो ये मेरा जियोलाइट है अब आप समझ गए जियोलाइट क्या होता है तो अभी मैंने देखा एक एल्यूमिनो सिलिकेट उसका नेटवर्क हम पढ़ रहे थे ठीक है तो यहां मैंने जनरल फॉर्मूला देखा था तो ये हमारा ये जनरल फार्मूला था ठीक है ये मेरा मेटल आयन था तो मेटल आयन मैंने ये लिए ठीक है कैल्शियम पॉजिटिव कैल्शियम टू पॉजिटिव एंड सोडियम ठीक है और उसके बाद मैंने वाटर ऑफ हाइड्रेशन लिया है ये मेरा एल्यूमिन सिलिकेट अब जो मेरा जियोलाइट है ठीक है, जियोलाइट में मैं क्या देख रही हूं कि मेरे पास है वाटर ऑफ हाइड्रेशन अगर वाटर ऑफ हाइड्रेशन रहेगा ठीक है तो ये मेरा एक कैटलिस्ट जैसा काम नहीं कर पाएगा और जिओलाइट को मैं चाहती हूँ कि वो कैटलिस्ट जैसा ही काम करे ठीक है तो उसके लिए मेरा फर्स्ट रीज़न होगा फर्स्ट काम होगा कि मुझे हाइड्रेशन को हटाना है वाटर ऑफ हाइड्रेशन को रिमूव करना है ठीक है ये कैसे मैं करूँगी मैं इसको वैक्यूम में हीट करूँगी ठीक है इस मॉलिक्यूल को इस एल्यूमिनियम सिलिकेट को मैं हीट करूंगी इन वैक्यूम उससे क्या होगा कि ये जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है वाटर जो है उसमें से रिमूव हो जाएगा जब ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन रिमूव हो जाएगा ठीक है तो क्या बचेगा तब मेरे पास ये चीज जो है मेरा एक कैटलिस्ट जैसा काम कर पाएगा ठीक है मेरा यहाँ पे पर्पस ही था कि जिओलाइट को मैं कैटलिस्ट के जैसे ही काम कराऊ तो इसकी वजह से मुझे एल्यूमिनियम सिलिकेट में से ऑफ हाइड्रेशन को रिमूव करना पड़ा तब ये जाके एक कैटलिस्ट जैसा वर्क करेगा ठीक है तो जियोलाइट अभी मैंने देखा कि कैसा होता है क्या फॉर्मूला होता है क्या स्ट्रक्चर होगा ठीक है अब क्या है आपने मधुमुखी के छत्ते देखे होंगे राइट मनी कॉम्पलाइस स्ट्रक्चर आपने देखे हैं ठीक है ठेके? तो वो क्या है जो हमारा कैटलिस्ट होता है जियोलाइट वो हनी कॉम जैसा होता है ठीक है इसमें क्या होता है कुछ कैविटीज और पोर्स होते हैं और ये कैविटी और पोर्स का होना बहुत जरूरी है ठीक है क्यों क्योंकि ये पोर्स जो रहेंगे तभी तो क्या होगा कि वो कैटलिस्ट जैसा काम कर पाएगा कैटलिस जैसा काम करने के लिए पोर्स और कैविटी में क्या है रिएक्टेंट आके एब्जॉर्ब होते हैं तो वही तो हमें करवाना है ठीक है तो हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कैविटी और पोर्स क्या करेंगे ये हमें प्रोवाइड करेंगे हेल्प इन कैटालिसिस ठीक है जो कि मुझे क्या चाहिए खाली चाहिए स्पेशियस ठीक है और अभी मैंने पढ़ा था कि उधर हमारे पास वाटर ऑफ हाइड्रेशन थे ठीक है अब वो क्या करते थे वो कैविटीज और पोर्स को ऑक्यूपाई करके रख रहे थे ठीक है अगर वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड होगा तो वो कैसे कैटलिस्ट वाला काम करेगा ठीक है तो इसलिए हमने वहां पे क्या किया था उसको वैक्यूम में हीट करके वाटर को स्केप करा दिया अब क्या हुआ मेरे पोर और कैविटीज खाली हो गए खाली होने से उसमें जगह बन गई अब क्या है अब वो इजिली कैटलिस्ट का, का काम करेगा ठीक है मेरा पर्पस है कि मुझे कैटलिस्ट जैसे काम करवाना है ठीक है तो वो मैंने यहां पे कर दिया ठीक है अब मेरे पास क्या चीज है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ठीक है क्या प्रॉपर्टी है कि इसका कैसा नेचर होना चाहिए ठीक है ये होना चाहिए शेप सेलेक्टिव हम चाहते हैं कि ये मेरा शेप सेलेक्टिव हो ये हर किसी को मतलब वो ना कर दे रिफाइन ठीक है हम कुछ पर्टिकुलर के लिए ये ले रहे हैं ठीक है और इसको हम क्या है एक तरीके से छन्नी जैसा काम करवाना चाहते हैं तो एक तरीके से हम यूज़ करना चाहते हैं इसे एज मॉलिक्यूलर सीव ठीक है molecular sieve. अब मॉलिक्यूलर सीव जैसा काम करेगा तो क्या होता है छन्नी क्या करती है चीज़ों को पास करवा देती है ठीक है छंडी में क्या होता है जो मोटी चीज़ें होती हैं ऊपर रह जाती हैं और जो लिक्विड जैसी चीज़ें होती हैं या ये बोल सकते हैं कि जो उसमें से पास हो सकती है वो पास हो जाती है ठीक है तो जियो का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो शेप सेलेक्टिव है ठीक है उसमें से जो चीज़ें उसे चाहिए वो ऊपर रह जाएंगी और बाकी उसके नीचे से पास ऑन हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से ये एक शेप सेलेक्टिव स्ट्रक्चर है ठीक है जो कि इसको एक कैटलिस्ट बनने में मदद करता है राइट तो अब मैं ले लेती हूं इस जियोलाइट को मैं आगे देखती हूं ठीक है मैं चेक कर रही हूं ठीक है तो मैंने एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन लिया ठीक है ये है मेरा स्ट्रेट चेन ठीक है ये एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है ठीक है अब एक लेती हूं मैं ब्रांच्ड ठीक है ये है मेरा ब्रांच्ड चेन अब क्या करेगा ठीक है इसका हम देखेंगे आगे क्या करता है ये स्ट्रेट चेन क्या करेगा ये जब इसमें से पास होगा तो ये इसमें से पास होके वैसा ही निकल जाएगा ठीक है ये पास हुआ ये वैसा का वैसा निकल गया ठीक है पर ब्रांच चेन का क्या है ये जाके इसके बीच में कहीं फिक्स हो जाएगा या अटक जाएगा जिस वजह से इसमें से पास नहीं हो पाएगा ठीक है तो सीव की बात की थी मैंने तो सीव कहा था कि कुछ पर्टिकुलर चीजों को ऊपर ही रख देता है बाकियों को निकलने देता है तो इस हिसाब से पता लग रहा है मुझे कि ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को पास होने दे रहा था पर ब्रांच चेन को इसने इधर ही रोक दिया ठीक है ये यहाँ से जा ही नहीं पाया ठीक है तो इस तरीके से इस कैटलिस्ट ने अपना काम किया कि स्ट्रेट चेन को पास होने देना है और ब्रांच चेन को रोक देना है यहीं पे रोक देना है तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक मॉलिकुलर का, का काम कर रहे राइट अब क्या है? इसका देखते हो ठीक है सेकेंड में क्या है इसका साइज ठीक है तो 260 से 740 पिकोमीटर के साइज को ये रोक लेते हैं ठीक है उसको ये ट्रैप करके रख लेता है और इससे कम या ज़्यादा को ये पास होने देगा ठीक है तो इस तरीके से इसको जो चाहिए साइज़ उसने उसको रोक लिया ठीक है उसने उसको ट्रैप कर लिया इस साइज़ में ठीक है तो इस तरीके से भी इसने अपना मोलिकुलर सीव का काम किया तो यही तो हम चाहते हैं कि ये अपना जो है जिस चीज़ों को ये चाहता है रिटेन करना उसको ये रिटेन कर ले और जिसको ये चाहता है कि निकल जाए वो निकल जाए तो इस तरीके से साइज़ और शेप पे ये क्या कर रहा है उस हिसाब से ये सिलेक्शन कर रहा है कि किसको मुझे रखना है किसको मुझे निकाल देना तो बेसिकली यहां से मुझे पता चलता है कि साइज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है तो जिओलाइट मेरा साइज शेप, सेलेक्टिव कैटलिस्ट है ठीक है तो अब मैं चलती हूँ इसके एक एग्जाम्पल ठीक है एग्जाम्पल है इसका जेड एस एम फाइव ठीक है जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी फाइव ठीक है तो ये इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है जो हम इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं जेड एस एम फाइव दैट इज जियोलाइट एसपोर सीव ऑफ एम फाइव मीन्स मोलिकुलर पोरोसिटी फाइव ठीक है अब हम देखते हैं इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं ठीक है यूज़ कहाँ है इसका तो यूज़ होता है ये मेरा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ठीक है वहां पे ये क्या करता है वहां पे हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग एंड आइसोमराइजेशन तो बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन को तोड़ने में और उसके आइसोमर्स ऑप्टेन कराने में हेल्प करता है तो जिओलाइट का नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है ये एक आयन एक्सचेंजर का काम करता है ठीक है आयन एक्सचेंजर कहाँ पे? जब मुझे हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करना है तो मैं उसमें यूज़ करती हूँ आयन एक्सचेंजर तो हार्ड वाटर में मेरे पास होते हैं कैल्शियम टू पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम टू पॉजिटिव आयन ये आयन क्या है मुझे नहीं चाहिए ठीक है जब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं क्या कर रही हूँ जियो लाइट को यूज़ कर रही हूँ जियो लाइट को मैं यूज़ कर रही हूँ एज आयन एक्सचेंजर इन सॉफ्टनिंग हमारा हार्ड वाटर राइट तो जब मैं क्या करूंगी कैल्शियम मैग्नीशियम टू पॉजिटिव मुझे नहीं चाहिए था ठीक है तो मैंने आयन एक्सचेंजर नीचे प्लेस कर दिया उसमें से जब मैं पास करवाती हूँ हार्ड वाटर को तो ये कैल्शियम टू पॉजिटिव और मैग्नीशियम टू पॉजिटिव को ट्रैप कर लेगा ठीक है अब क्या किया इसने इसको ट्रैप कर लिया जो इसे नहीं चाहिए अब मुझे क्या है वाटर मुझे सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाएगा ठीक है वाटर में से इम्प्योरिटी मेरी इसने रिमूव कर दी ठीक है इट रिमूव्ड माय इम्प्योरिटी ठीक है जो इम्प्योरिटी थी वो रिमूव कर दी और अब मेरा हार्ड वाटर कन्वर्ट हो गया सॉफ्ट वाटर में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि वाटर मुझे प्योर चाहिए है ना और ये डेली एप्लीकेशन है तो इसलिए मैं जिओलाइट यूज़ करती हूँ एज आयन एक्सचेंजर फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर राइट तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जियो तो अब हम समझते हैं कि कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं पहला है होमोजीनियस और दूसरा है हेटरोजेनियस। ठीक है होमो मतलब होता है सेम ठीक है यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो है वो दोनों सेम फेस में होंगे इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट अगर मेरा लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी मेरा लिक्विड होगा रिएक्टेंट अगर मेरा सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी मैं सॉलिड होंगी ठीक है इसी तरीके से रिएक्टेंट अगर मेरा गैस है तो कैटलिस्ट भी मेरा गैस होगा ठीक है अब मैं चलती हूँ हेट्रोजीनियस पे हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो है वो दोनों डिफरेंट फेज में होंगे मान लो कि रिएक्टेंट मेरा सॉलिड है तो कैटलिस्ट मेरा गैशियस हो सकता है मान लो कि रिएक्टेंट मेरा गैशियस है तो कैटलिस्ट मेरा सॉलिड हो सकता है मान लो कि मेरा रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटलिस्ट मेरा सॉलिड हो सकता है मतलब क्या है सॉलिड लिक्विड गैस ये अलग अलग फेसेस हैं तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दो अलग फेसेस में होंगे दो अलग फेसेस ठीक है अब मैं इसे डायग्राम से समझूं ठीक है डायग्राम में मेरे पास कैटलिस्ट जो है वो लिक्विड पड़ा है ठीक है तो मैं इसमें सेम फेज का रिएक्टेंट डालूंगी तभी इसे मैं मानूंगी कि ये होमोजीनियस है तो यहाँ मैंने रिएक्टेंट डाले आर वन और आर टू जो दोनों है मेरे लिक्विड रिएक्टेंट ये क्या रिएक्टेंट भी लिक्विड कैटलिस्ट भी लिक्विड तो ये हुए होमोजीनियस सेम फेज ठीक है अब मैं चलती हूँ हेट्रोजीनियस का एग्ज़ाम्पल लेने यहाँ पे क्या है मेरे पास कैटलिस्ट है सॉलिड ठीक है और मैं रिएक्टेंट्स डाल रही हूँ लिक्विड सॉलिड लिक्विड दोनों डिफरेंट फेज तो ये हुआ एक हैट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो कि दोनों चीज़ें डिफरेंट फेज में है तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को एग्ज़ाम्पल के थ्रू ठीक है तो मेरे पास एग्जाम्पल है होमोजीनियस का डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन तो ओजोन है ओ थ्री ठीक है उसको डिकम्पोज करके मुझे बनाना है ऑक्सीजन ठीक है मैंने क्या किया नेसेंट ऑक्सीजन ओजोन में ऐड कर दिया तो ये बन गया मेरा ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में क्लोरीन तो क्लोरीन है मेरा कैटलिस्ट अब यहाँ पे मैं इनके फेस चेक करूँगी ठीक है तो ओजोन है मेरा गैशियस फेज में ऑक्सीजन है मेरा गैशियस फेज में और क्लोरीन जो कि एक कैटलिस्ट है ये भी है मेरा गैशियस फेज में तो यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट मेरे गैशियस फेज में ठीक है और कैटलिस्ट भी मेरा गैसियस फेज में तो दोनों का फेज सेम है इस वजह से मैं इसे बोलूँगी कि ये मेरा होमोजीनियस कैटलिस्ट है अब मैं चलती हूँ हेड्रोजीनियस के एग्जाम्पल की तरफ यहाँ क्या है मैं अमोनिया को प्रिपेयर कर रही हूँ ठीक है किस प्रोसेस से? हेबर्स प्रोसेस से। यहाँ पे मेरे पास है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों मेरे रिएक्टेंट हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों है गैशियस फेस में और ये मेरे हैं रियक्टेंट यहां पे मैं कैटलिस्ट यूज कर रही हूं आयरन आयरन होता है मेरा सॉलिड फेस ठीक है तो सॉलिड फेस है मेरा कैटलिस्ट का अब क्या हुआ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेस अलग है रिएक्टेंट है गैशियस कैटलिस्ट है सॉलिड तो यहाँ क्या हुआ दोनों का फेस अलग है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट ठीक है तो इस तरीके से मैंने दोनों एग्जाम्पल समझ लिए किसके होमोजीनियस एंड हैट्रोजीनियस तो अब मैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मैकेनिज्म देखूंगी ताकि मुझे समझ आए कि किस तरीके का डिफरेंस है इन दोनों में ठीक है तो यहाँ पे ऊपर है मेरा होमोजीनस उसका मैकेनिज्म ये है ठीक है हेट्रोजीनस का मैकेनिज़्म ये है अब मैं शुरू करती हूँ आपको समझाना ठीक है अब क्या है मेरे पास है दो रिएक्टेंट ये ब्लू कलर वाले मेरे रिएक्टेंट्स हैं और कैटलिस्ट है मेरा ये रेड कलर में ठीक है मान लेते हैं कि ये रिएक्टेंट गैशियस है ठीक है और ये भी रिएक्टेंट गैशियस है और कैटलिस्ट भी मेरा गैशियस है अब क्या है ये तीनों के तीनों सेम फेस में है। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों ही गैशियस फॉर्म में तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये होमोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है उसका मैकेनिज़्म तो क्या हो रहा है कि गैशियस रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं ठीक है डिफ्यूज़ करते हुए आ रहे हैं अब क्या होगा ये तीनों जो गैशियस रिएक्टेंट है तो ये तीनों जो गैशियस मॉलिक्यूल हैं, वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे कंबाइन करके वो बनाएंगे इंटरमीडिएट तो यहाँ पे ये दो रिएक्टेंट है गैशस फॉर्म में ये दोनों रिएक्टेंट यहाँ आ गए ठीक है ये कैटलिस्ट भी है मेरा गैश फॉर्म में वो भी इसके साथ जुड़ गया अब क्या कर रहे हैं ये कंबाइन होकर मेरा इंटरमीडिएट बना रहे हैं ये स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो आगे क्या होगा ये इनस्टेबल होने के वजह से टूट जाएंगे ठीक है ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके यहाँ अलग हो जाते हैं और मुझे मिलता है यहाँ से प्रोडक्ट ठीक है और कैटलिस्ट भी क्या है अलग हो जाता है और यहाँ से मुझे मिला कैटलिस्ट अब मैं क्या देख रही हूँ कि कैटलिस्ट पहले जैसा था वैसा ही अब भी है ठीक है पर कैटलिस्ट ने अपना क्या काम किया उसने दोनों रिएक्टेंट को एक साथ ला के रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट में चेंज कर दिया ठीक है तो यही कैटलिस्ट का पर्पस होता है कि रिएक्टेंट को नज़दीक लाया जाए उनको रिएक्ट करवाया जाए और बाद में मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाए ठीक है तो इस तरीके से होमोजीनियस का कैटलिस्ट का मैकेनिज़्म है ठीक है अब मैं समझती हूँ हेट्रोजीनियस को ठीक है हेट्रोजीनियस में क्या हो रहा है हेटरोजेनियस में क्या है मेरे पास दो रिएक्टेंट है ठीक है ये है मेरे गैशियस रिएक्टेंट ठीक है अब क्या है कैटलिस्ट है मेरा सॉलिड ठीक है अगर ये सॉलिड है ये रिएक्टेंट मेरे गैशियस हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों जो है वो डिफरेंट फेज में है एक गैस एक सॉलिड तो यहाँ से ही मुझे समझ आ जाता है कि ये हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल अब ये रिएक्टेंट क्या करेंगे ये है कैटलिस्ट कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने ये रिएक्टेंट्स आके कैटलिस्ट की सरफेस पे आके एड्जॉर्ब हो गए इसलिए मैंने यहाँ लिखा है एडजॉर्ब रिएक्टेंट मतलब कि वो सॉलिड की सरफेस पे कैटलिस्ट की सरफेस पे आके एबजॉर्ब हो चुके हैं ठीक है ठीके? मैं चलती हूँ आगे तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप में ये है मेरा इंटरमीडिएट जो मेरे रिएक्टेंट्स आए थे ठीक है वो एडज़ॉर्ब हो गए और वो आपस में क्या करने लगे यहाँ पे भी एबज़ॉर्ब हो रहे हैं और आगे जाके वो आपस में रिएक्शन शुरू कर रहे हैं मतलब कि कैटलिस्ट की सरफेस पे आके रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दिया ठीक है यहाँ पे कैटलिस्ट उसको सरफेस दे रहा है और रिएक्टेंट्स आके रिएक्ट करने लग गए ठीक है आगे नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है कि अब वो जो है वो रिएक्टेंट्स वो एब्ज़ॉर्ब हो चुके हैं और वो प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हैं ठीक है लेकिन प्रोडक्ट में चेंज होने के बाद भी वो अभी तक कैटलिस्ट की सरफेस पे एब्ज़ॉर्ब हुए पड़े हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इस स्टेज पे क्या है कि वो प्रोडक्ट बन चुके हैं पर उसकी अभी कैटलिस्ट के ऊपर एडजॉर्ब्शन हो रखी है इसलिए मैं यहाँ बोलती हूँ कि दिस इज़ एड्सॉर्ब्ड प्रोडक्ट ठीक है अब मैं क्या चाहूँगी कि वो कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़ के प्रोडक्ट बाहर चला जाए ठीक है वही तो मेरा मेन पर्पज़ है तो यहाँ से मैंने क्या किया एड्ज़ॉर्ब प्रोडक्ट को डी करवा दिया जिससे कि क्या होगा कि प्रोडक्ट आपस में जुड़े हुए बाहर वो निकल जाएंगे ठीक है तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है पहली चीज़ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट आपस में डिफरेंट फेज में जो कि मुझे बता रहा है हेट्रोजीनियस का मेन फीचर ठीक है दूसरी चीज़ दिखाई जा रही है कि कैटलिस्ट जो है वो स्टार्टिंग में भी यही था और लास्ट में भी यही है उसमें कुछ चेंज नहीं आया ठीक है जस्ट उसने अपना एक सरफेस प्रोवाइड किया है रिएक्टेंट्स को ताकि रिएक्टेंट इस पर आए जुड़े और फाइनली मुझे प्रोडक्ट मिल जाए ठीक है तो इधर से मैं समझ सकती हूँ कि रिएक्टेंट को कैटलिस्ट ने प्रोडक्ट में चेंज कराने में हेल्प करी सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ हैट्रोजीनियस कैटालिसिस तो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल ठीक है मान लो क्या है ये इथीन है है ना इथीन में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं और उससे मिलता है मुझे इथेन ठीक है ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मेरा सिंगल बॉन्ड ठीक है और ये होगा किसके प्रेजेंस में निकल कैटलिस ठीक है तो अब मैं इस प्रोसेस का इस रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म देखूंगी ठीक है तो ये मेरा निकल है ठीक है सॉलिड कैटलिस्ट का ये मेरा सरफेस है ठीक है अब इसका क्या है निकल क्या करता है निकल एबजॉर्ब करता है किसको रिएक्टेंट को तो यहाँ पे मेरे पास है दो रिएक्टेंट एक है इथीन और एक है हाइड्रोजन ठीक है तो हाइड्रोजन जो है वो मॉलिकुलर फॉर्म में तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन को निकल के सरफेस पे एब्जॉर्ब कराऊंगी तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ और दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ ठीक है तो ये निकल की कैटलिस्ट पे पहले क्या हो गया एब्सॉर्ब हो गया अब मैं देखूंगी इथीन मॉलिक्यूल को इथीन मॉलिक्यूल भी आके निकल कैटलिस्ट की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा ठीक है अब आगे क्या हुआ निकल के सरफेस पे दोनों ही हाइड्रोजन और इथिन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होने के लिए आ गए अब उन दोनों के बीच में रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो क्या होगा जब रिएक्शन शुरू होगा तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा ठीक है तो पाई बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड होता है इसलिए वो इजीली ब्रेक हो जाएगा और इसकी जगह पे कार्बन के साथ पहले एक यहाँ से हाइड्रोजन आ जाएगा और एक यहां से हाइड्रोजन आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया और जैसे मैंने कहा था कि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो भी ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और अब क्या हो गया यहाँ पे डी एडजॉर्प्शन हो गया डी ऑर्जॉर्पन हो के वो क्या करता है इथेन मॉलिक्यूल निकल की कैटलिस्ट को छोड़ के एयर में स्केप हो जाता है ठीक है तो यहाँ इस मैकेनिज्म से मैं समझ सकती हूँ कि, कि किस तरीके से निकल कैटलिस्ट यहाँ पे ये प्रोसेसिंग कर रहा है किस तरीके से रिएक्टेंट को उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो फाइनली मुझे इथेन मॉलिक्यूल मिल गया जो मुझे चाहिए था जो मेरा प्रोडक्ट था और रिएक्ट मैंने किन को करवाया था इथीन और हाइड्रोजन की जो कि मेरे यहाँ पे रिएक्टेंट्स थे तो ये जो है वो मैकेनिज्म है ठीक है का। तो अब हम करने जा रहे हैं कि कैटलिस्ट कैसे काम करते है ठीक है तो हाउ डज कैटलिस्ट वर्क राइट तो इसे समझने के लिए मैंने तीन डायग्राम्स बनाई हुई ठीक है तो ये दोनों डायग्राम हम बाद में समझेंगे पहले समझते हैं हम पहला वाला डायग्राम ठीक है इस डायग्राम में यहाँ हम एनर्जी शो कर रहे हैं और यहाँ रिएक्शन ठीक है अब क्या होती है रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है ठीक है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है इसलिए रिएक्टेंट ऊपर है और प्रोडक्ट का लेवल नीचे है ठीक है रिएक्शन जब प्रोसीड होता है शुरू होता है तो रिएक्टेंट से शुरू होता है और लास्ट में वो बनता है प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट पहले आएगा प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद मतलब प्रोसेस होने के कुछ देर बाद आता है प्रोडक्ट तो ये मेरा रिएक्टेंट है ठीक है और ये मेरा प्रोडक्ट है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ईजिली नहीं बनता उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है ठीक है जैसे कि हम हीट करते हैं वो भी एक तरीके से फॉर्म है एनर्जी देने का ठीक है तो रिएक्टेंट से रिएक्टेंट की एनर्जी सबसे पहले मुझे यहाँ तक पहुँचानी है ठीक है क्योंकि ये वो पीक पॉइंट है जहाँ से रिएक्शन शुरू होगा यहाँ पहुँचने के बाद ही रिएक्शन शुरू होगा और यहाँ से जब रिएक्शन शुरू होगा तब वो धीरे 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 जाके प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू होएगा और लास्ट में मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा तो ये जो जर्नी है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की वो सिंपल नहीं है पहले मुझे रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ानी है ठीक है उसके बाद ही रिएक्शन होना शुरू होता है फिर प्रोडक्ट बनता है ठीक है तो अब यहाँ से यहाँ तक इसकी एनर्जी पहुँचाने के लिए मैं एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करती हूँ ठीक है मान लो हीट प्रोवाइड किया तो प्रोवाइड करके रिएक्टेंट मेरा इस पीक पे पहुँचेगा और पीक से पहुँच के फिर वो मुझे प्रोडक्ट देगा ठीक है तो यहाँ पे क्या है मैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ तो उसके लिए मैंने प्रोवाइड करी एक्टिवेशन एनर्जी तो ये सिंपल प्रोसेस है जो मुझे हर ही रिएक्शन में दिखेगा ठीक है हर रिएक्शन में हम देखते हैं अब मैं बात करती हूँ कैटलिस्ट के काम की ठीक है मान लो कि मैंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया बिना कैटलिस्ट के, के कैसे हुआ बिना कैटलिस्ट के, के, के ये इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहता था ठीक है ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी वो चाह रहा था ठीक है तो यहाँ पे उतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी तभी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने शुरू होंगे ठीक है अब कैटलिस्ट के साथ क्या हो रहा है ठीक है मान लो मैंने उन रिएक्टेंट्स में कैटलिस्ट यूज़ कर लिया जब मैं कैटलिस्ट यूज़ करूँगी ठीक है तो वैसे तो मेरा ये ग्राफ इस तरीके से जाना था यहाँ ठीक है पर जब मैंने कैटलिस्ट यूज़ किया विद कैटलिस्ट तो मेरा क्या है वो पाथ मैंने चेंज कर दिया तो ये पाथ है ये ब्लैक सॉलिड कलर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस पाथ को ठीक है ये वो बात है जब मैंने कैटलिस्ट यूज किया तो पहले क्या हो रहा था कैटलिस्ट के बिना एक्टिवेशन एनर्जी मेरी इतनी थी ठीक है जब मैंने कैटलिस्ट डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो कैटलिस्ट डालने से क्या फायदा हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी है ना जिस वजह से क्या है मेरा रिएक्शन जल्दी ही रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे देगा ठीक है तो कैटलिस्ट का ये हमारा फायदा है कि लो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है जिस वजह से रिएक्टेंट एंड ईजिली रिएक्ट करके मुझे प्रोडक्ट दे सकेंगे राइट सो स्टूडेंट्स आज हमने सर्विस केमिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक कर लिया है दैट वॉज कैटालिसिस, तो कैटालिसिस को हमने कंप्लीटली आज इस वीडियो में कवर कर लिया है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्ले केमिस्ट्री आई एम प्रियंका पोदार एंड कीप वॉचिंग प्ले केमिस्ट्री